रेलवे की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि आरआरसी रेलवे की ओर से बम्पर भर्ती यहां पर निकाल दी गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहां पर अपना आवेदन फिल करना होगा। अगर मैं आपको यहां पर इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिखाऊं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आरआरसी रेलवे की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से अपनी नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है 3600 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। इस वैकेंसी में आपको आवेदन किस प्रकार से करना है सभी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दी जाएगी, तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपके यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो आरआरसी रेलवे, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है 3612 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 9000 रुपये से लेकर 12000 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, यानी कि इतनी सैलरी दी जाएगी जो कि स्टार्टिंग में दी जाएगी, बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आपको जहाँ पर फीस पे करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप यहाँ पर इसको पे भी कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 15 ईयर से लेकर 24 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी वालों के लिए 15 ईयर से लेकर 27 ईयर, एसएससी कैंडिडेट के लिए 15 ईयर से लेकर 29 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एज काउंट की जाएगी 27 मई तक की जाएगी, यानी 27 मई को आप कीजिए एज, ने तो 15 से कम हो ने 24 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जहाँ पर एज में छूट दी गई है एसएससी वालों 5 की दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की निम्न जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको निम्न जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी नहीं दे सकते, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगा, यानी जिन डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हीं के आधार पर एक मेरिट बनेगी। उसके बाद से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, वो भी कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊं कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन के पास होना अनिवार्य। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आरआरसी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई
ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट फिर से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी है और पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा, अगर आपने अब से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पर बताना होगा आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर नंबर दे देना है, यानी फिल कर लेना है। करने के बाद कैंडिडेट का नेम फिल करना है, अपने पापा का नाम एंड फादर नेम फिल करना होगा। आपको यहाँ पर जेंडर बताना होगा, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कम्युनिटी बतानी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप हो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। अब आपको यहाँ पर फिर अपनी ईमेल आईडी फिल करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करने के बाद ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 27 जून तक आप यहाँ पर इस भर्ती का आवेदन भी कर पाएंगे। तो जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से यहाँ पर भर्ती चलेगी। अपलाइन टिस्ट की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस भर्ती एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी होगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जो टोटल वैकेंसी मिलेगी आपको 3612 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी दी गई है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई, यानी किस जोन में कितनी वैकेंसी होगी उसकी जानकारी भी आप इसी वेबसाइट से ले पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।